नमस्कार, मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मिशन हेल्थ कार्यक्रम की हमेशा यही कोशिश रहती है कि बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और इसी उद्देश्य से हम हमेशा हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। इसी क्रम में आज का विषय हमने लिया है दिमागी बुखार, कारण, बचाव और उपचार। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के महाप्रबंधक नियमित टीकाकरण एवं बाल स्वास्थ्य डॉक्टर वेद प्रकाश। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। हम आपको बताना चाहेंगे कि दिमागी बुखार एक गंभीर और संचारी रोग है। दिमागी बुखार की वजह से बच्चों में अपंगता और मृत्यु तक हो सकती है, इसलिए दिमागी बुखार से बचना बेहद ज़रूरी है। और दिमागी बुखार से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है टीकाकरण। जी हाँ, दिमागी बुखार के दो टीके लगवाकर आप इससे बच सकते हैं और इस पर काबू भी पा सकते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि आपको जानकारी और जागरूकता होनी चाहिए। जानकारी लेने के लिए अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा, कोई सवाल, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए फ़ोन नंबर्स। फोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 0522-220-5756, दूसरा नंबर 0522-228-8698, एक नंबर और नोट कीजिए 0522-401-5988। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। तो बस हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं और हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर साहब, आज का विषय हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं दिमागी बुखार या इसे जैपनीज इंसेफेलाइटिस या स्थानीय भाषा में इसको नौकी बीमारी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये क्या है, क्यों और कैसे होता है। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने प्रदेश में खासतौर पे जो तराई क्षेत्र के जिले हैं वहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं और बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। तो जापानीज इंसेफेलाइटिस की अगर बात करें तो सबसे पहले इंसेफेलाइटिस, इसका मतलब होता है दिमाग में सूजन आना। तो किसी संक्रमण के कारण या किसी अन्य कारण से अगर दिमाग में सूजन आ जाता है तो उसे हम इंसेफेलाइटिस बोलते हैं। ये जेई के अलावा अन्य भी कई कारणों से हो सकता है, और जब जापानीज इंसेफेलाइटिस नाम के वायरस के कारण ये होता है तो इसी को हम जापानीज इंसेफेलाइटिस बोलते हैं। तो ये दूसरे वायरस से भी हो सकता है, अन्य कारणों से भी हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो प्रभावित जिले हैं वहाँ पे जो जेई वायरस है वो इंसेफेलाइटिस का एक मुख्य कारण है। तो ये जो है एक जैसा आपने बताया संक्रामक रोग है और अक्सर मच्छरों के काटने से फैलता है। और जब मच्छरों के काटने की बात है तो ऑब्वियसली जो गंदगी है अगर कहीं पर या आस पास जानवर ज़्यादा संख्या में पाले जाते हैं, सुअर या घोड़े इत्यादि, तो वहाँ पे इसके फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है और ऐसे क्षेत्रों में ही इसके अधिक केसेस पाए जाते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आज से कुछ साल पहले तक बहुत बड़ी संख्या में हर साल लोगों की मृत्यु हो जाती थी जापानीज इंसेफेलाइटिस के कारण, लेकिन पिछले 3 सालों में जो प्रयास हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और टीकाकरण में जो वृद्धि हुई है तो उससे जो है प्रभावित होने वाले बच्चों की संख्या में भी काफ़ी कमी आई है और मृत्यु भी काफ़ी कम हो गई है। तो ये अच्छी बात है और हम चाहेंगे कि आगे भी किसी भी बच्चे की मृत्यु या किसी भी व्यक्ति की मृत्यु जापानीज इंसेफेलाइटिस के कारण न होने पाए। और इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हेलो जी। हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में, प्लीज अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम दिव्या अग्नि है। जी, क्या जानना चाहती हैं? मेरी बच्ची के बुखार आ रहा है, 3-4 दिन हो गए हैं। बच्ची कितनी बड़ी है? जी 1.5 साल में, अभी 2 महीने कम है। ओके, तो कितने दिन से बुखार आ रहा है? 3-4 दिन से। जी उसके 3-4 दिन से ज्यादा हो गया बुखार आ रहा है और बुखार चला भी जाता है। ओके, डॉक्टर साहब बताइए क्या एडवाइस। फिर उसके आ जाता है बुखार, मतलब इनका ये है कि बार बार रिलैप्स हो जा रहा है बुखार। तो दिव्यानी जी, इस माध्यम से रोग का इलाज करना उचित नहीं होगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको आसपास के आप जो है किसी स्वास्थ्य केंद्र में, पीएससी पास में होगी या सीएससी होगी या जिला अस्पताल होगा, वहाँ पे ले जाके बच्चे को दिखा लें,
ताकि उसका सही उपचार हो सके। अगर आवश्यक होगा तो कुछ जांचें भी करनी पड़ सकती हैं जिससे मालूम पड़ जाए कि बच्चे को बुखार क्यों आ रहा है, किस कारण से आ रहा है। फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बात कैसे पता चलेगी कि किसी बच्चे को दिमागी बुखार का इन्फेक्शन हो गया है? क्या लक्षण होते हैं, कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए? सभी इंसेफ्लाइटिस के लक्षण एक जैसे ही होंगे, तो इसमें बुखार, खांसी और साथ में उल्टी का आना और सरदर्द हो सकता है, अगर बड़ा बच्चा है तो बताएगा। उसके साथ में बेहोशी आ सकती है, गर्दन अकड़ सकती है और बच्चे का सेंसोरियम बदल सकता है, यानी कि उल्टी सीधी बातें करने लगे, बिल्कुल लगे कि होश में नहीं है। तो ये सब इसके लक्षण होते हैं। उसको फिट्स या दौरे भी आ सकते हैं और गंभीर होने पे मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सब लक्षण हैं इंसेफ्लाइटिस के। और उचित होगा कि बुखार आने पर ही, अगर तेज बुखार आ रहा है और उसके साथ में सरदर्द है या खांसी है, उल्टियां आ रही हैं, तो तत्काल उस बच्चे को अस्पताल में ले जाएं और दिखा लें ताकि उसका उचित इलाज हो पाए। जी जी हाँ, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर आपको इस तरह के लक्षण नज़र आते हैं तो आप इसमें वेट ना करें, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे तो फिर आप लेट करेंगे। इसलिए इस तरह के लक्षणों को तुरंत लेकर के आप डॉक्टर के पास अपने पेशेंट को जाएं, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा। डॉक्टर साहब, दिमागी बुखार पर आधारित एक लघु नाटिका तैयार की गई है, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम सब लोग देखें। बिल्कुल जी हाँ, तो देर किस बात की, आइए आप भी हमारे साथ देखिए ये लघु नाटिका। दद्दा लाठी लिए कहे तैनात है, कहाँ फौजदारी करे जा रहे हैं? अरे घंटा भरे से यू नाटक चल रहा है, बस एक कही बात बोल रहे हैं, कोई का छोड़ा नहीं, कोई बचे ना पाई। अरे भाई की का ना छोड़े की बात कर रहे हैं और कोई बचे ना पाई? अब हम कहा जाने, कुछ बता ही भी तो नहीं रहे हैं। भाई दद्दा तो समझदार आदमी है और फिर कौनों से मामला मुकदमा भी नहीं चल रहा है, ये काहे सनक गए हैं, नशा पत्ती तो नहीं की है? चुपाए रहो चाचा, तुम तो जानते ही हो दद्दा ना नशा पत्ती करे न कोई को नशा पत्ती करे दे। अब कहा जानी, हो इस वक्त कोई धोखे से खिला दी तो? अब हम कहा जानी, बोला बराए बहुत रहे हैं। अरे आपा, ये दद्दा कहा हो गया, देखो गब्बर सिंह बने खड़े हैं। अब हम कहा जानी। कोई बात है जरूर, कुछ गंभीर मामला है। झपेटी हाँ चाचा, चलो चल के देखा जाए। चलो कितने आदमी थे, कितने लोग मिले? तनी सांस तो ले लेते हो दद्दा। अरे दद्दा का भवा को रहे का, कोई से मारपीट भाई है? अब तुम तो चुपाए जाओ शांति, जनते तो कुछ हो नहीं, बर बर लगाए रहती। अब यूँ तो ना कहो दद्दा, हम कहाँ नहीं जानी थे? अरे तुम तो सब जानती हो, तनी चुपाए रहो। दद्दा ये लाठी वाले गब्बर सिंह काहे बने हो? किसी का नहीं छोड़ा, तुम तो यू बताओ आशा, कितने आदमी थे? थे नहीं हैं, तीन। अरे कौन तीन आदमी हैं जो दद्दा से सलूकी की हैं? अब गांव के आदमी तो हुई है ना, कौनो बाहर वाला होई। मूला तीन जनी का कीन तुमने साथ? अरे तुम चुप रहो शांति, कुछ जानते तो हो नहीं। अरे हम कहा नहीं जाने थे, हम चलो पूछ के देखो। अच्छा यू बताओ, दिमागी बुखार कहाँ से फैला था? यह कोई पूछे वाली बात है, दिमागी बुखार दिमाग से फैला था। खेके बंद करो। अच्छा तुम्हें बताओ, दिमागी बुखार कैसे फैला था? मक्खी मच्छर से, चूहा छछुंदर से, आबादी वाले इलाके में सुअर पाले से, घर के आसपास साफ सफाई ना करे से, झाड़ झंकार से। दद्दा शांति को छोड़ के सबका मालूम है दिमागी बुखार कैसे फैले थे। अब तुम ज्यादा विद्वान ना बनो मगरू, एक जरूरी बात तो भूले गए हो। का आशा, अब तुम्हें बताओ, ई सबसे तो दिमागी बुखार फैला थे मुला, मुख्य कारण है बच्चन का दिमागी बुखार का टीका ना लगवाए से। का दिमागी बुखारों का टीका लगा थे? तुम तो सब जानती हो दिमागी बुखार का टीका लगा था। अब ये तो हम ना जानित रही, मुला और कुछ पूछो तो हम बताई, हम सब जानित हैं। तुम कुछ नहीं जानती हो,
न दिमाग के बारे में और न दिमागी बुखार के बारे में। तुम तो सब जानत हो ना? हाँ, काहे नहीं, हम तो सब जानते हैं। दिमागी बुखार के दुई टीका लागत है। बोला ये टीका लागत कब है? दिमागी बुखार का पहला टीका लागत है जब बच्चा 9 से 12 महीने का हो। और दूसरा टीका? जब बच्चा 16 से 24 महीने का हो तब। समझ गए, पहला टीका 9 से 12 महीना माँ और दूसरा टीका 16 से 24 महीना पर। ठीक, बिल्कुल ठीक। बोला टीका लागे पर नान भर के बच्चन का उल्टी दस्त होए, बुखार होए, तब का होए। दिमागी बुखार का टीका लगाई पर बच्चन का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। अरे ये बिल्कुल सुरक्षित है। समझ गए। लेकिन दादा ये तुम लाठी से का करे वाले हो? अरे हम दिमागी बुखार का ढकाई। दादा लाठी से मच्छर मरियो या मक्की? अरे नहीं दादा, लाठी से चूहा चचुंदर मरिए। नहीं नहीं, ये तो लाठी से सड़क नाला नाली साफ करिए। हाँ दादा, वो जो तुम पूछत रहे हो कितने आदमी थे? असल माँ दद्दा हमसे कहीं रहे कि ई पता करो कि गांव माँ की के घर माँ बच्चन के दिमागी बुखार के दोनों टीका नहीं लगे हैं। काहे? अरे भाई दिमागी बुखार से बचाव का अभियान चले वाला है ना। अब भी तो चला रहे अभियान, जाने कौन धनुष। कौन धनुष नहीं, सघन मिशन इंद्रधनुष 2। हाँ हाँ, वही धनुष। वही माँ, दिमागी बुखारों का भी टीका लगा रहे। वैसे VHND माने ग्रामीण स्वच्छता एवं पोषण दिवस पर हर महीने बच्चों को दिमागी बुखार का टीका लगाया जाता है, लेकिन इस अभियान में हर गांव, हर घर में जिन बच्चों के दिमागी बुखार का टीका नहीं लगा है उनकी पहचान करके ये टीका लगाया जाएगा। यह तो बड़ी अच्छी बात है। और टीकन की तरह यह टीका लगी बिल्कुल मुफ्त, एकदम फ्री। एकदम फ्री? हाँ बिल्कुल फ्री, कहो तो 2-4 थोड़ा तुम्हारे लगवाए दे। इनका फ्री टीका लगावे से भी कोनो फायदा नहीं है। काहे? जब दिमागे नहीं है तो दिमागी बुखार कैसे होई? ए, मस्करी बंद करो। अब तुम लोग पूछत रहो ना कि लाठी काहे लिए, इससे हम दिमागी बुखार का भगाई। अब सुनो, जौन गंदगी करी, साफ सफाई ना करी और जैके घर में मक्खी मच्छर होई, चूहा छुचुंदर होई, वैका जो है ये लाठी से हम समझाए। जाने हो कितने आदमी थे आशा? 3। बहुत ना इंसाफी है। सरकार तो दिमागी बुखार का भगावे के लिए, अरे माने भगावे के लिए नहीं, वैका मिटावे के लिए इतना इंतजाम की ही से, और ये गांव के 3। आगे का डायलॉग न बोलो दत्ता। समझ गए, हम समझ गए। हमहू या फिल्म देखत रहे टीवी पे। अच्छा, चलो चलो जल्दी चलो इन तीनों के द्वारे। अच्छा। और जौन बच्चन का दिमागी बुखार का टीका नहीं लगवाई है वही का समझाए का भी तो होई। अगर बातन से मान गए तो ठीक, वरना ये लाठी तो है। कबे होली होली कबे? माने ये हो भैया कि दिमागी बुखार से बचाव का टीकाकरण का अभियान कब है? कब है? बहुत जल्दी सरदार। अभी आप दिमागी बुखार पर आधारित ये लघु नाटिका देख रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि इसके जरिए जो आपको जानकारी मिली है आप इस जानकारी का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे और हाँ दूसरों को भी जरूर बताएंगे ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें, आप स्वस्थ तो देश स्वस्थ। डॉक्टर साहब, ये जो अभी हम लोगों ने लघु नाटिका देखी इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छी तरह से ये संदेश गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, और मैं समझता हूँ कि जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर लाइन पे हैं ग्रेटर नोएडा से, सौरभ पाठक जी। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। श्योर मैम, मेरा प्रश्न है एनकेफेलाइटिस की समस्या क्या नॉन इन्फेक्शस डिजीजेस के कारण भी हो सकती है? थैंक यू मैम। बताइए डॉक्टर साहब। कुछ कारण हो सकते हैं,
लेकिन जो हमारा ये अभियान है या जो जिससे हम बचाव कर सकते हैं वो मेनली जापानी इंसेफ्लाइटिस है, जिसका कि टीका भी उपलब्ध है और जिसके बारे में हम लोग आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, सौरभ पाठक जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं दिमागी बुखार के बारे में, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के महाप्रबंधक नियमित टीकाकरण एवं बाल स्वास्थ्य डॉक्टर वेद प्रकाश। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर बाई चांस, मैं अपना सवाल बाद में पूछूंगी, पहले एक कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में, प्लीज नाम बताइए और सवाल पूछिए। नमस्ते, मैं 12 बजे मैं चाहता हूँ कि दिमागी बुखार के लिए जो दूषित पानी होता है कितना बड़ा घात होता है। जी डॉक्टर साहब, ये इम्पोर्टेंट सवाल है इनका। दूषित पानी से किशोर जी सीधे तो नहीं फैलता है, लेकिन ये कि आसपास अगर पानी जमा है, इकट्ठा है, तो मच्छर जरूर उसमें पनपेंगे और उससे इसका संक्रमण तेजी से फैल सकता है। तो इसलिए साफ सफाई होना आवश्यक है, और साफ सफाई रखने से, बार बार हाथ साफ करने से अन्य भी बहुत सी बीमारियां हैं, खासतौर पर जो वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं, उनसे बचाव होता है। तो बेहतर है कि हम पानी, साफ पानी का इस्तेमाल करें। जी नंद स्वरूप मिश्रा जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अब मैं अपने सवाल पे आती हूँ कि अगर बाय चांस किसी को दिमागी बुखार की समस्या हो गई है तो फिर उसका इलाज क्या है और इलाज कहाँ पर पॉसिबल है? देखिए, दिमागी बुखार का तो इलाज है, लेकिन जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस है इसका मैं कहूँगा कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये वायरस से होता है और वायरस से जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें कोई एंटीबायोटिक भी काम नहीं करती है। तो एक्चुअली जब कोई ग्रसित हो ही गया है बच्चा, तो उसको जापानीज इंसेफ्लाइटिस का इलाज तो नहीं, लेकिन जो उसके सिम्टम है, लक्षण है, उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाता है ताकि उसको समस्याएँ ना हो, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है अपने आप, तब तक उसके जो खतरे हैं, रिस्क हैं लाइफ के लिए, उससे बचा रहे। तो जो इंसेफ्लाइटिस हो गई है, जो सूजन है, उसको कम करने के लिए इलाज होगा, है ना, बुखार के लिए इलाज होगा, इस तरह लक्षणों के इलाज होंगे और उसको मृत्यु से बचाया जा सकेगा। और सबसे अच्छा यही है कि समय से टीके लगवा लें तो जेई का संक्रमण हो ही ना, तो एक तरह से उसका बचाव ही इलाज है। बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र से हमारे पास एक फोन आ रहा है। हेलो। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में, प्लीज अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। दीपक गिरी, मंगरुलपीर, महाराष्ट्र से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, सादा बुखार और दिमागी बुखार के लक्षणों में अंतर आता है क्या, बताइए डॉक्टर साहब। दीपक जी, साधारण बुखार जैसा ही बुखार इसमें होगा, लेकिन साथ में जैसे हमने बताया कि उल्टियाँ आ सकती हैं, सर दर्द हो सकता है, गर्दन में अकड़न हो सकती है, उसका शरीर भी अकड़ सकता है, और बच्चे वो जो है अनकॉन्शस हो सकता है, या उसका जो सेंसोरियम में बदला सा, यानी कि अजीब तरह के बिहेवियर आएंगे, उसको दौरे वगैरह हो सकते हैं। तो अगर तेज़ बुखार के साथ हेडेक और उल्टियाँ वगैरह आने लगें तो और किसी चीज़ का इंतजार करना ठीक नहीं है, उचित होगा कि जल्दी से उसको ले जाके डॉक्टर को दिखा लें ताकि पता लग जाए क्या है, उसका इलाज प्रारंभ हो जाए। थैंक्स फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी, हमेशा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो टीकाकरण की आपने बात की, तो ये बताइए कि ये टीके कब कब लगवाए जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट बात है। जी, जेई के लिए ज़रूरी है ही, पर मैं इस मौके पे फिर से कहना चाहता हूँ कि जितने भी गंभीर बीमारियाँ बच्चों को होती हैं सभी के लिए टीके मौजूद हैं, और हमारा जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है टीकाकरण का, उसमें सब मुफ्त में लगाए जाते हैं। तो अगर पूरा टीकाकरण लोग करा लें अपने बच्चों का, तो बहुत सारी बीमारियों से बचत हो जाएगी। रही बात जेई के टीके की, तो उसके दो खुराकें दी जाती हैं, लगाई जाती हैं, पहला 9 से 12 महीने की उम्र में, यानी 9 महीना जब बच्चा हो जाए तो जल्दी उसको लगवा लेना चाहिए। इसी प्रकार से दूसरा 16 से 24 माह के बीच, तो 16 महीने के बाद जितनी जल्दी हो पाए बच्चे को दूसरा टीका लगवा लेना चाहिए, और ये बहुत ही साधारण तरीके से इंजेक्शन लगता है, कोई इसमें विशेष ऐसा कष्ट वगैरह भी नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो किसी भी चीज़ से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस समय पे ले जाके उसका टीकाकरण अवश्य करा लें। जी, और फ्री लगते हैं डॉक्टर साहब ये टीके? पूरी तरह से मुफ्त है। तो टीकाकरण के अंतर्गत जो भी टीके लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा, सभी पूरी तरह से मुफ्त है, किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं देना होता है। जी बिल्कुल, हम आपसे कहना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, आप इन स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा लाभ उठाइए और दूसरों को भी बताइए। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं,
देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं दिमागी बुखार के बारे में और स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर वेद प्रकाश। डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। जैसे कि टीकाकरण की जिक्र हो रहा है, आप बता रहे हैं, बहुत सारी बातें बताई आपने, लेकिन बाई चांस अगर कोई छूट गया है, टीका नहीं लगा है, ऐसी स्थिति में उसको क्या टीका लगवाया जा सकता है, क्या प्रोसीजर है? बिल्कुल, 15 साल तक अगर कोई बच्चा छूटा हुआ है जी, तो उसको लगवाया जा सकता है। और चूंकि आपने पूछा है, तो इस समय मैं ये बता दूं कि वैसे तो साल भर ये टीकाकरण होता है जी, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे छूट जाते हैं। जैसे कि जेई का जो पहला डोज है, ये केवल लगभग 87% बच्चों को इस समय लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में, 13% बच्चे छूटे हुए। इसी तरह से दूसरी खुराक लगभग 75% लगी, 25% बच्चे छूटे हुए हैं। तो ये बच्चे भी, इनको कोई खतरा ना रहे, ये भी कवर हो जाए, इसके लिए हम लोग समय समय पे इसका अलग से टीकाकरण अभियान चलाते हैं। और अभी जो है आने वाले 1 मार्च से प्रस्तावित है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग एक कैचअप कैंपेन चलाएंगे और ये कोशिश करें कि जो भी बच्चे छूटे हुए हैं उनको ये खुराक मिल जाए। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे छूटे हैं अपने परिवार में या आसपास के परिवारों में, उनको इस मौके पे जरूर टीका लगवा दें ताकि वो जेई से बचे रहें। जी डॉक्टर साहब, टीकाकरण की बात हो रही, तो टीका शरीर के किस अंग में लगता है और क्या कोई इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं? जेई का टीका जो है इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, वो साधारण इंजेक्शन और दाहिने हाथ के जो है ऊपरी बांह में लगता है, और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है। और जैसा आप जानते हैं कि चूंकि इतने 38 जिलों में उत्तर प्रदेश में ही लग रहा है दो डोज, तो हर साल करोड़ों डोज लगाई जाती हैं और कभी भी इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई है किसी बच्चे को कुछ हो गया, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि इससे कोई साइड इफेक्ट हो जाए, केवल फायदा है। जी डॉक्टर साहब, सरकार तो बहुत सारे ठोस कदम उठा रही है, फ्री में टीकाकरण करवाया जा रहा है और भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें व्यक्तिगत लेवल पे और सामुदायिक स्तर पर, तो किस तरह का लोगों को प्रयास करने चाहिए ताकि हम इसमें सफल हो सकें और बच सकें? मैं यही फिर से कहना चाहूँगा कि चूंकि टीकाकरण अभियान बच्चों को और लोगों को सुरक्षित करने के लिए है, बहुत से रोगों से बचाने के लिए है, तो अपने बच्चों का भी संपूर्ण टीकाकरण कराएं, और आसपास अगर कोई लोग नासमझ हैं या इससे दूर भागते हैं तो उनको भी समझाएं और टीकाकरण कराएं। इससे पूरे समाज का फायदा है, अपने बच्चे के अलावा, क्योंकि जब रोग फैलेगा ही नहीं तो सभी के बच्चे सुरक्षित रहेंगे। जाहिर सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी है डॉक्टर साहब। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। जी हाँ दर्शकों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ने जो आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दी है, आप इस जानकारी का पूरा पूरा लाभ उठाइए और अपने बच्चों को और अपने आप को स्वस्थ रखिए। और अब कार्यक्रम के आखिर में हम इतना जरूर कहना चाहेंगे आपसे कि आज से आप सभी लोग मिलकर हमसे वादा कीजिए कि दिमागी बुखार को रोकेंगे, वादा निभाएंगे, मैं, आप और हम सब। इसी वादे के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में, यानी चलते चलते। जैसा कि आप जानते हैं कि चलते चलते में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं और जितनी भी करेक्ट एंट्रीज होती हैं उसमें से एक लकी ड्रॉ निकालते हैं और जो लकी विनर होता है उसे हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और सम्मानित भी करते हैं। तो देर किस बात की, आप भी जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है, शिशु को दिमागी बुखार से बचाने के लिए टीके कब कब लगाए जाते हैं? जी हाँ, यही सवाल है और हमें पूरा यकीन है कि आपने इस सवाल को जरूर नोट कर लिया होगा। तो बस जल्दी से आप इसका जवाब हमें लिख भेजें। हमारा पता नोट कीजिए, हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001, और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddup.lko@gmail.com। आप हमें खत जरूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और इसी कामना के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम जरूर देखते रहें। डॉक्टर साहब, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ स्टूडियो में आए और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। थैंक यू सो मच।